हेलो गाइस, टेस्टी होम कुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मखाने की सब्जी, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और फटाफट बन करके तैयार हो जाती है। मैं जिस तरीके से आपको आज मखाने की सब्जी बताने जा रही हूँ ना, इससे आप बहुत जल्दी बना सकते हो और बहुत ही कम सामग्री में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आप पूरा वीडियो वॉच करिएगा, फिर आपको सारे टिप्स इस रेसिपी के मिल जाएंगे। सब्जी बनाने के लिए एक बर्तन रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए, फ्लेम मीडियम रखा है। जैसे ही बर्तन गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे मखाना, क्योंकि मखाना जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो इसे हम क्रिस्पी करने के लिए रोस्ट करेंगे। मिक्स करते हुए लगभग 4 से 5 मिनट तक रोस्ट करेंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे। अगर आपका मखाना क्रिस्पी हो तो आप रोस्ट ना करें, मेरा जो है क्रिस्पी नहीं था इसलिए मैंने रोस्ट किया हुआ है। 5 मिनट हो चुके हैं, मखाने का हल्का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है। अब हम चेक करेंगे, चेक करते समय फ्लेम को लो कर देंगे, एक मखाना हाथ से उठाएंगे और अपनी उंगलियों की सहायता से प्रेस करके चेक करेंगे। अगर अच्छे से मखाना टूट जाता है तो इसको जो है समझिए आपकी एकदम ये क्रिस्पी हो गया है, आप चाहो तो खा के भी चेक कर सकते हो। मखाने को मैंने साइड में रख दिया है, उसी बर्तन को वापस रखा है। इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल, ऑयल के गर्म होने का वेट करेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच जीरा, जीरा को अच्छी तरह से क्रैश होने तक पका लेंगे। फिर ऐड करेंगे इसमें हम प्याज, मैंने यहाँ पर 2 प्याज को बारीक चॉप करके लिया हुआ है। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्ची, 1 हरी मिर्ची को मैंने बारीक चॉप करके लिया है। 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, आप चाहो तो बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हो। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे, फ्लेम अभी मैंने मीडियम रखा हुआ है। मिक्स करते हुए 2 मिनट तक पका लेंगे। जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाता है और जो है ना खुशबू आने लगती है प्याज की, जब पकने की सूंधी सूंधी सी आती है, तब आप समझिए कि प्याज अब आपकी रेडी हो चुकी है। मुझे यहाँ पर लगभग 2.5 मिनट का समय लगा हुआ है प्याज को पकाने में। अब हम फ्लेम लो करेंगे, ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया हुआ है लाल मिर्ची पाउडर, आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, इससे कलर सब्जी को बहुत ही बढ़िया आ जाता है, इसमें झाल बिल्कुल भी नहीं होती है। मसाले को अब हम मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। जैसे ही मसाला पक जाएगा ना तो सूंधी सूंधी से खुशबू आना शुरू हो जाएगी, फिर आप समझिए कि आपको मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट, यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को ग्राइंड करके पेस्ट बनाया हुआ है, ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। आप चाहो तो टमाटर को चॉप करके यूज़ कर सकते हो, लेकिन पेस्ट डालने से ना ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो जाती है, इस वजह से मैंने पेस्ट का यूज़ किया है। ढक देंगे, ढक करके पकाने से जल्दी से पक जाता है और हमें बार बार मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 3 मिनट के लिए मैंने ढका हुआ था, 3 मिनट बाद कैप उठाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया सा कलर दिख रहा है, सारा मसाला हमारा पक करके तैयार हो चुका है। मिक्स करेंगे, जब हमने ढक करके रखा था ना तो एक दो बार आप चेक कर लीजिएगा मसाला जल तो नहीं रहा है, मिक्स कर दीजिएगा। तो ये देखिए बढ़िया से मिक्स करके मैंने तैयार कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच दूध की मलाई, घर में जो दूध आता है ना उसकी मलाई मैं स्टोर करके रखती हूँ, तो मैंने उसको यूज़ किया हुआ है, इससे बहुत ही बढ़िया क्रीमी सा फ्लेवर आ जाएगा सब्जी का। ऐड करने के बाद हम मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक बढ़िया से पका लेंगे। मलाई डाल देने से ना कलर भी बहुत ही बढ़िया दिखने लगता है सब्जी का, तो आप कोई भी ऐसी सब्जी बनाएं तो उसमें मलाई का यूज़ कर सकते हैं। मलाई बढ़िया से पक चुकी है, मिक्स हो गई है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी का यूज़ किया हुआ है, आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी का यूज़ करिएगा। पानी को भी मिक्स करेंगे और अब हम इसमें उबाल आने का वेट करेंगे, तो फ्लेम मीडियम कर देंगे, लगभग 2 से 3 मिनट में उबाल आना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर जब उबाल आ जाएगा ना तो पानी हमारा पक जाएगा, जिससे कि सब्जी का टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मखाना, मखाना डालने के बाद आप नमक का यूज़ करिएगा, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक लिया हुआ है, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक का यूज़ करिएगा। अब हम सब्जी को मिक्स कर देंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे और मिक्स करते हुए 1 से 1.5 मिनट पका लेंगे। मखाना डालने के बाद ना बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, अगर ज़्यादा पकाओगे तो मखाना जो है ना पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर छोटा छोटा हो जाएगा। 1 मिनट हो चुका है,
तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे ज़्यादा हमें पकाने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेशनेस के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। हरा धनिया को भी मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने इतना ग्रेवी रखा हुआ है, जब हम सब्जी को थोड़ा देर सेट होने के लिए रखेंगे ना तो मखाने ग्रेवी सोख लेते हैं, जिससे कि मखाने बहुत ही बढ़िया एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं और फूल भी जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट बाद जो है सब्जी को सर्व किया है, बहुत ही बढ़िया कलर दिख रहा है। आप मखाने को 10 मिनट बाद टच करके देखें ना तो उसमें एकदम रस भर जाता है, बहुत बढ़िया लगता है खाने में। गाइस आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो तारा कुशवाहा फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय गाइज़।